हेलो एवरीवन, इट्स प्रणीत हेयर। यू आर वाचिंग माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम अडोबी आफ्टर इफेक्ट में एक सर्कल एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अडोबी आफ्टर इफेक्ट का सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, देन इसके बाद में यहाँ पे एक कंपोजिशन ऑन कर लें। राइट क्लिक हेयर एंड न्यू कंपोजिशन, एंड यहाँ पे आप HDTV 720x25 फ्रेम्स सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पे मैं ये जो रेजोल्यूशन है मैं ये सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पे फ्रेम रेट 25 है। देन इसके बाद में टाइमिंग मैं 10 सेकंड्स का ले रहा हूँ। देन क्लिक ऑन द ओके बटन, तो आप कंपोजिशन ऐड कर लें। देन इसके बाद में राइट क्लिक हेयर एंड गो टू द न्यू एंड टेक द शेप लेयर, देन सेलेक्ट दिस एंड गो टू द फिल बटन एंड इसे डीएक्टिवेट कर दें, नन कर दें इसे। एंड देन इसके बाद में स्ट्रोक पे जाएं और यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर दें सॉलिड कलर के साथ में। तो इसे एक्टिवेट कर दिया है मैंने। देन इसके बाद में यहाँ पे सर्कल ले लें, सर्कल पे सेलेक्ट करें एंड देन प्रेस द ऑल्ट एंड शिफ्ट की इन द कीबोर्ड और मेक द सर्कल लाइक दिस। देखिए यहाँ पे एक सर्कल बन गया है। देन इसके बाद में यहाँ पे जाएं, कंटेंट पे आएं, कंटेंट पे आने के बाद में स्ट्रोक पे आएं और स्ट्रोक पे आने के बाद में यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग ब्लू कलर एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, सो हेयर यू कैन सी यहाँ पे ब्लू कलर आ चुका है। देन इसके बाद में यहाँ पे आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे विड्थ बढ़ चुकी है। तो इसके बाद में अगेन यहाँ पे कंटेंट्स पे आए, यहाँ पे ऐड करें ट्रिम पाथ्स, ट्रिम पाथ्स पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करें। देन यहाँ पे प्ले हेड को 0 पे ले आए और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखिए क्लिक किया यहाँ पे 0 पे क्लिक करें तो एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद में 1 सेकंड पर आए टाइमलाइन में एंड यहाँ पे 100 कर दें, तो यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड हो गया है। देन इसके बाद स्टार्ट पर आए, एक और की फ्रेम ऐड कर लें और यहाँ पे इसे 2 सेकंड पर आने के बाद इसे भी 100 कर दें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है, आप देखें। देन अगेन प्ले हेड को 0 पे ले आए और यहां पे दूसरी लेयर को ऐड करें। राइट क्लिक हेयर न्यू एंड शेप लेयर, यहां पे दूसरी लेयर ऐड होने के बाद में यहां पे फिल पर आए, क्लिक करें, यहां पे इसे एक्टिवेट कर दें नॉर्मल एंड देन अगेन यहाँ पे स्ट्रोक पर आएं और इसे नन कर दें एंड देन ओके। देन इसके बाद सेकंड लेयर को सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दें। तो आप देखिए एक सर्कल बन गया है। सेकंड लेयर को सेलेक्ट रहने दें, देन यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे जाएं, कंट्रोल की को प्रेस करें और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। देन यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट रहने दें और ये जो एंकर पॉइंट है इसे इस सर्कल के सेंटर में ले आए। तो देखिए यहाँ पे आ गया है। देन लेयर 1 पर आए, यहाँ पे एलिप्स 1, पाथ 1 और यहाँ पे क्लिक करें और पाथ क्लिक करें और इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लें। देन सेकंड लेयर पर आएं, यहाँ पे पोजीशन के लिए पी प्रेस करें और इस पोजीशन पे पाथ को
पेस्ट कर दें कंट्रोल वी के साथ। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है वो इस पाथ पे अटैच हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये इजीली सही पाथ को फॉलो अप नहीं कर रहा है, तो इसके लिए दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करें और यू प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो की फ्रेम्स हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। देन इसके बाद में इस वाले की फ्रेम को, लास्ट वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करें और इसे 1 सेकंड पर ले आएं। ये हमने 1 सेकंड पे लेकर आ गए हैं इसको। देन इसके बाद में यहाँ पे इसी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें और ड्रैग करते हुए देन इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और सेकंड पर आकर के टाइमलाइन में और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। देन इसके बाद में इस वाले को सेलेक्ट करें ओनली, बाकी सबको अनसेलेक्ट रहने दें। तो यहाँ पे क्लिक करें, आप अनसेलेक्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद में इसको सेलेक्ट करें और इसे 2 सेकंड्स पर ले आएं। देन इसके बाद में इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें और F9 की को प्रेस करें या यहीं पर राइट क्लिक करें, इनकी फ्रेम असिस्टेंट में जाएं और यहाँ पे इजी ईज कर दें। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके का एनिमेशन बन जाएगा। यहाँ पे इन सबको लेयर्स को अनसेलेक्ट कर दें एनिमेशन को देखने के लिए। 1 मिनट पीछे है एंड देन प्ले। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू एवरीवन।